व्यवस्था विवरण अध्याय 10 कुल पद 22। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएं गढ़ी, तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इसराइली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए, वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश को देने के लिए मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। और अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है।
व्यवस्था विवरण अध्याय 10 कुल पद 22। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएं गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे वही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इसराइली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एलियाजर